हेलो दोस्तों, तो स्वागत है एक बार फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। दोस्तों आज का जो ब्लॉग है वो आपको काफी पसंद आएगा क्योंकि आज हम आपको लिए चलेंगे भागलपुर के कुप्पा घाट। तो बिना देरी किए हुए आप सबों को सीधे लिए चलते हैं कुप्पा घाट। ये है कुप्पा घाट का प्रवेश द्वार और इसी प्रवेश द्वार से हम अंदर की ओर चलेंगे और वहां की सुंदरता को आप सबों को दिखाएंगे। ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ये दो संतों का समाधि स्थल है। मैं एक एक करके बारी बारी से इन समाधि स्थल को आप सबों को दिखाऊंगा और इसके बारे में बताऊंगा। ये समाधि स्थल संत सेवी जी महाराज का है। आइए अब आप सबों को महर्षि मेही जी के समाधि स्थल की तरफ लिए चलते हैं। ये समाधि स्थल महर्षि मेही जी का है, तो आइए आप सबों को नजदीक से दर्शन कराते हैं महर्षि मेही जी के समाधि स्थल का। ये है यहाँ का सत्संग भवन। आइए अब आप सबों को यहाँ बने सुंदर से बगीचे की ओर लिए चलते हैं। जिस सुंदर से बगीचे को आप देख रहे हैं इसका उल्लेख रामायण में भी किया गया है। आइए अब आप सबको यहाँ बने म्यूजियम की ओर लिए चलते हैं जहाँ पर आप महर्षि मेही जी के एम्बेसडर कार को देख सकते हैं जिन पर बैठकर वो धर्म प्रचार किया करते थे। ये यहाँ का धर्मशाला है जिन्हें शादी विवाह या अन्य अनुष्ठान के लिए बुक किया जाता है। आइए अब आप सबों को यहाँ बने गुफा की ओर लिए चलते हैं जहाँ पर महर्षि मेही जी ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की थी, तत्पश्चात उन्हें ईश्वर की प्राप्ति हुई थी। मेरे पीछे जिस बड़े बिल्डिंग को आप देख रहे हैं इसके अंदर महर्षि मेही जी के अस्थि कलश को रखा गया है, तो आइए अब इसके अंदर चलते हैं। ये सामने आप जिस कमरे को देख रहे हैं ये महर्षि मेही जी का कमरा है जहां पर महर्षि मेही जी आराम किया करते थे और इसी वजह से इनके अस्थि कलश को इसी कमरे में स्थापित किया गया है। दोस्तों कुप्पा घाट का वीडियो आप सबों को कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।